एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान को बदलना पड़ सकता है चुनाव नहीं लड़ने का फैसला। जी सही सुन रहे हैं आप, एनडीए में उन पर यह लगातार दबाव दिया जा रहा है कि वो हाजीपुर से फिर से चुनावी मैदान में उतर जाए। पहले ये तय हो गया था कि पासवान लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो राज्यसभा जाएंगे। इस वजह से एलजेपी में हाजीपुर के लिए नए प्रत्याशी की तलाश भी चल रही थी, लेकिन सूत्रों की माने तो वो हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इधर खगड़िया सीट एक्सचेंज को लेकर भी चर्चा तेज हुई है। एलजेपी के अंदर खाने ये चर्चा है कि हाल ही में एनडीए के स्तर पर जो सर्वे हुआ था उसमें अगर रामविलास पासवान की जगह कोई दूसरा नेता वहां से चुनाव लड़ता है तो फिर हाजीपुर की सीट फंस भी सकती है। रामविलास पासवान को कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य वजहों से वो भले ही लगातार हाजीपुर में नहीं घूमे, लेकिन नामांकन तो वो कर ही सकते हैं, और नामांकन के साथ साथ वो दो तीन बार अपने क्षेत्र में चले जाए तो भी पार्टी अपने स्तर पर चीजें दुरुस्त कर बात बना सकती है। वैसे रामविलास पासवान के स्तर पर इस पर अभी भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही जा रही है। पासवान जब बीते दिनों अपने क्षेत्र में पहुंचे थे तो भी जब वो मंच से भाषण दे रहे थे तो लगातार उनके चुनाव लड़ने की मांग की जा रही थी। आपको बता दें कि हाजीपुर से रामविलास पासवान की जगह एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य पशुपति कुमार पारस को चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। एलजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एलजेपी को राज्यसभा की एक सीट दिए जाने का ऑफर अब भी बरकरार है। कहा जा रहा है कि रामविलास पासवान अपनी मर्जी से जिसका चाहे उसका नाम राज्यसभा के लिए सुझा सकते हैं। खगड़िया सीट पर वर्तमान में एलजेपी का कब्जा है। बीच में ये चर्चा थी कि खगड़िया सीट एलजेपी छोड़ सकती है, पर एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि एलजेपी खगड़िया नहीं छोड़ेगी। इस बीच फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि खगड़िया सीट बीजेपी लेना चाह रही है। इस सीट के बदले में एलजेपी को कटिहार या फिर अररिया सीट दिए जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि क्या रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। वैसे ये बेहद दिलचस्प है कि काफी लंबे पहले ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया था, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट से चुनाव लड़ेगी इस बात का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। हाल ही में खबर आई थी कि एनडीए होली से पहले सीट बंटवारे का पूरा खाका जनता के सामने रख सकती है। ऐसे में पासवान का हाजीपुर से चुनाव लड़ना भी एक पेच उसमें दिख रहा है कि शायद पासवान को लेकर ही सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।